क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के दोषियों को न्यायालय ने जिस प्रकार फांसी की सजा दी थी, उसी प्रकार मुंबई अंधेरी के साकी नाका में हुई एक महिला की बलात्कार व हत्या के मामले के बाद आरोपी मोहन चौहान को डिंडोसी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। क्या था पूरा मामला, देखिए क्राइम की इस खास रिपोर्ट में। वो पल भी कोई पल है जिस पल तेरा एहसास ना हो, वो महफिल भी क्या महफिल है जिसमें ब्लैक मस्ती चाय ना हो। मुंबई अंधेरी पूर्व साकी नाका पुलिस स्टेशन की हद में महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या मामले में दिंडोसी सत्र न्यायालय का एक बड़ा फैसला। रेप और हत्या के मामले में दोषी आरोपी मोहन चौहान को फांसी की सजा सुनाई है। दिंडोसी सत्र न्यायालय का कहना है कि यह दुर्लभतम मामले में दुर्लभ था, क्योंकि आरोपी ने महिला के साथ रेप के बाद हुए नृशंस हमले कर घायल कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दरअसल यह घटना मुंबई के साकी नाके इलाके में 10 सितंबर 2021 की आधी रात को हुई थी, जब पूरा देश गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में जुटा था। तब यह आरोपी रात के अंधेरे में महिला के साथ न सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट में लोखंड की सरिया डालकर उसके पार्ट को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, जिससे डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद 11 सितंबर को राजावाड़ी अस्पताल में पीड़िता का निधन हो गया था। पुलिस ने इस मामले में बारीकी से जांच कर अदालत के समक्ष रिपोर्ट रख दी थी। अदालत ने 30/5/2012 को आरोपी मोहन कटवारू चौहान को माननीय सत्र न्यायालय ने दिंडोसी में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद दिंडोसी सेशन कोर्ट रूम नंबर 11 अतिरिक्त न्यायाधीश श्रीमती एच सी सेंडे ने आरोपी मोहन पर आईपीसी की धारा 302, 376 ए, 376 दो एम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(a)(r)(w)(135) के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसके तहत आज दोपहर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले की जांच एसीपी ज्योत्सना रसम अपने पुलिस कर्मियों के साथ बड़े ही बारीकी से कर रही थी। महिलाओं के अपराध को लेकर वह हमेशा सक्रिय रहती थी, यही वजह है कि वह इस लड़ाई में आरोपी को फांसी के फंदे तक ले गई। इस मामले में सरकार के वकील एसपीपी वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे एवं अधिवक्ता महेश मुले ने कोर्ट में दी थी दलील। कई अहम सबूत, दस्तावेज, दलीलों और मजबूत कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ आरोपी मोहन चौहान की तरफ से एडवोकेट कल्पना वास्कर आरोपी को बचाने के लिए भरपूर प्रयास और साजिश बता रही थी और अपने मोकिल को बचाने के लिए हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ मैम, अभी तक हमारे हाथ में जजमेंट कॉपी नहीं है, अभी हम जजमेंट थ्रू जाएंगे क्या है उसमें, और उसी हिसाब से हम लोग उस देखे। वो आरोपी का राइट है, वो तो डेफिनेटली वो जा सकता है हाई कोर्ट में, तो बिल्कुल उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। न्यायालय के निर्णय पर क्या कहना है? नहीं, आम्हाला माननीय न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे, है ना, जे काही त्यांचे ऑब्जर्वेशन आहे ते त्यांनी ऑब्जर्वेशन करूनच दिलेला आहे, पूर्ण आम्हाला विश्वास आहे आणि पुढे जे काही येईल ते माननीय हायकोर्टावर पण आम्हाला तेवढाच विश्वास आहे। मॅडम आरोपीच्या डिफेन्समध्ये बघा, त्यात बरेच मुद्दे होते ॲक्च्युली, आणि जे काही आमचे मुद्दे होते सर्कमस्टन्सेस एव्हिडन्स होता आणि त्यावर आम्ही सगळं टोटल डिनाय केलेलं आहे, त्याचं प्रेझन्सी डिनायल आहे आणि जे काही आमचं रिटर्न आम्ही सबमिशन केलेलं आहे त्याच्यासाठी मी कमेंट्स नाही करू शकत, ते हायकोर्टात आणि बाकीच्या आम्ही तिथे आम्ही सबमिशन हायकोर्टाच्या जजमेंटमध्ये आणि या जजमेंटमध्ये सुद्धा येईल। मुंबई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।